रात को पौने 11 के करीब हमारे पास पेशेंट आता है आरटीए करके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो वो एर्मा मोड पे वो स्लिप कर गई थी उसकी बाइक, उसके साथ उसकी मदर और फादर भी थे। हमारे पास यहाँ आता है, हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो मैंने उसको कहा कि हम आपको ना पहले टीडी इंजेक्शन के लिए बोला, क्योंकि उसको सिर्फ अपर लिप में स्वेलिंग थी, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। इतनी देर में उसके फादर यहाँ से चले गए और उसकी मदर उसके पास अकेली रह गई। तो फिर हमने कहा, क्योंकि उसको स्वेलिंग थी, कि मैंने अपने तिलोक को कहा कि आप इंजेक्शन बोविरान दो, तब तक आरटीए था तो हमें सारी उसकी लिखना पड़ता है, तो मैं लिखना उसको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी नोट करने लगी। तब तक उसके बाद मैंने उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी बना दी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का केस है आरटीए के, जो कि अंडर रूल हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जैसे उसने सुना ना कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसने मेरे हाथ से स्लिप निकाल ली और स्लिप फाड़ दी और जोर जोर से हाथ ना हमारे मेरे टेबल पे मारना शुरू कर दिया। इवन कि मेरे इस फिंगर को स्वेलिंग भी हो गई है, क्योंकि उसके हाथ मेरे हाथ पे कर रहे थे। तो उसके बाद उसने गालियां निकालना शुरू कर दी, और जैसे तिलोक साथ में खड़ा था ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे उसने कहा कि आप ये लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो बस ये बोलने की देर थी उसने तिलोक को मारना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने तिलोक को बहुत मारा। तिलोक को बचाने के लिए जब हमारे दयाराम जी आए, तो उसने दयाराम जी को भी मारा। उनको इतना ज़्यादा यहाँ पर स्वेलिंग हुई है, नाक से ब्लीडिंग हुई है, कि फिर जब BMM हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था इस बारे में, फिर भी उसको मारा। हमने फीमेल्स ने खुद को बचने के लिए जब इस रूम को लॉक किया, डोर को लॉक किया, उसने ये डोर तोड़ दिया। उसने लड़के ने बहुत सारी गालियाँ निकाली, बहुत हम सबको निकाली उसने, और तिलोक सर को तो उसने इतना मारा ना, करीब 100 मुक्के तो उसने ऐसे हमारे सामने सामने सर को मार दिया, और दयाराम सर को भी उनकी ब्लीडिंग भी हुई है। तो और गालियाँ तो वो बहुत ही निकाला, बहुत ज्यादा। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हम यहाँ पे सेफ नहीं है, और जस्टिस मिलना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।